बहुत दिन से यहाँ पे थे, क्योंकि हमारा एडमिट होने से हम 3-4 दिन पहले ही आ गए थे, क्योंकि हमारे दूसरे कान में घाव लगा था, उसमें भी प्रॉब्लम था। तो सोचे कि थोड़ा सा भी कोई चूक नहीं होना चाहिए ताकि ऑपरेशन ना हो, इसलिए हम पहले ही आ गए थे। और वीडियो शूट इसलिए बना रहे थे कि हमको पता था बीमार होने के बाद हम वीडियो नहीं बना पाएंगे, सब कुछ पता था, हमारा मुँह भी सूझ गया पूरा, ये सब पूरा सूझन हो गया। बाकी आप लोगों को अगर कुछ भी पूछना होगा ना हमारे ऑपरेशन के बारे में कुछ भी, तो आप लोग मैसेज कमेंट कीजिएगा, तो हम उसका डिटेल बताएंगे कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, अगर जानना होगा तो। बाकी ठीक है, अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे, आज नाइट से निकलेंगे, दिन भर धूप बहुत रहता है तो धूप में नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि धूप में पसीना ये सब हमारे लिए अभी सही नहीं होगा हमारे हेल्थ के लिए, तो इसलिए रात के टाइम में निकलेंगे। अभी फिलहाल हम फ्रेश व्रेश होकर दवाई खा के कुछ तरह आराम करेंगे, उसके बाद हम कुछ बोलना है हमारे हेल्थ को लेके। हाँ क्या बोलूँ, कितना रिस्की ऑपरेशन था। हाँ, बहुत 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 मम्मी बहुत तकलीफ थी, मम्मी बहुत डरी हुई थी, बहुत डर हुई थी। बच्ची है ना, डरना तो पड़ेगा ना। हाँ, जो बेहोश हो के ऑपरेशन थिएटर में चला जाए तो उसको तो कुछ होश ही नहीं रहता, लेकिन जो आपके अपने होते हैं ना वो बाहर बहुत बड़ी जंग से लड़ते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि अंदर क्या होगा, कैसे निकलेगी, सब कुछ अच्छा रहेगा कि नहीं, बहुत परेशानी होती है। तो यही था, और बाकी आप लोगों की भी दुआ थी और मम्मी भी साथ में थी, सबका आशीर्वाद मिल के सब अच्छा होता है, सब अच्छे से होते हैं। बाकी यहाँ से निकलते हैं तो फिर देखते हैं जनकपुर का ब्लॉग स्टार्ट करेंगे। अभी इस ब्लॉग में बने रहिए आप लोग, ये ब्लॉग अभी चलेगा पूरा दिन तक। गाइस मैं वहाँ पे पटना से निकल के अभी मुजफ्फरपुर में आके बैठ गई हूँ, देखिए हमारा स्ट्रगल कैसा चल रहा है। आप लोग का बस ख़राब हो गया, और बस में आने का फैसला इसलिए किए कि छोटा गाड़ी जो होता है प्राइवेट गाड़ी करके आते हैं ना तो बहुत ज़्यादा हिलता है, तो उससे ना हमको दिक्कत होती, तो क्योंकि कान में ऑपरेशन किया हुआ था तो ज़्यादा अचक मचक चलने वाला गाड़ी सब है ना दिक्कत देता। मम्मी भी बोली कि बस ही ठीक रहेगा, बस में अपना आराम से एसी वाले बस में बैठ के अपने आराम से आना ही ठीक रहेगा, तो ठीक रहेगा, अच्छा ही है बस में आना भी, टाइम पे हम लोग को जनकपुर पहुंचा देगा, क्योंकि इसका टाइम 7:30 बजे का पहुँचाने का, जब तक सुबह होगा तब तक 9:30 बजे हम लोग का बस खोला। अभी यहाँ पे टायर पंचर हो गया, 1 बजे से यहाँ पे, 1 बजे ली ना, 1 बजे से यहाँ पे आके बैठे हैं, अभी तो कितने बज रहे, ठीक 2 बज रहा है, 1 घंटा हो गया, क्योंकि बगल में लाइन होटल पे था तो होटल में सब जिसको जो मन हुआ थोड़ा बहुत खाए, फ्रेश हुए, फिर चाय वाय सब कुछ है यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि मतलब सुना रोड है, ऐसा नहीं है, चालू रोड है। ये पेट्रोल पंप भी है यहाँ पे, फिर टायर वाले को मिस्त्री जो टायर ठीक करता है उसको बुलाया गया, तो अभी बस में लगा रहा है टायर, तो हम लोग अभी टाइम पास के लिए यहाँ पे बैठ गए, बहुत पैसेंजर है इधर से उधर, सब टहल रहे, सब थक थक के चले गए बस में बैठने के लिए, क्योंकि लाइन होटल जो था ना वो भी बंद हो गया अब तो। अब हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, राही बन के बैठे हुए हैं, सोचे कि चलो बैठे ही हैं तो थोड़ा सा ब्लॉगिंग करते हैं, क्या नहीं करते, क्योंकि हम ब्लॉगिंग शो स्टार्ट किए थे तो ख़त्म नहीं किए थे, हम सोचे कि चलिए अभी जनकपुर पहुंचने तक उस ब्लॉग को रखेंगे, मतलब वो ब्लॉग ही चलेगा हमारा, क्योंकि हम ज़्यादा बोल नहीं पा रहे थे सुबह में, अभी फिर भी तबीयत ठीक है, थोड़ा बहुत ठीक है, जैसे जैसे दवाई खाते हैं ना वैसे वैसे थोड़ा सा तबीयत में सुधार आती है हमको, तो अभी हम लोग यहाँ से कब निकलेंगे पता नहीं, लेकिन फिलहाल हमारी मम्मी को नींद आ रहा था और इनके गोदी में हम सर रख के सोए हुए थे, क्योंकि हमको दवाई जब हम खाते हैं ना तो हमको नींद आती है बहुत कस के, तो हम उनकी गोदी में सर रख के सो गए, बेचारी को परेशानी हो रही है, घुटना में दिक्कत हो रहा है, अब जनकपुर में जाके आराम करेगी, क्या कर सकते हैं।
हमारा भी होश नहीं रहता, हम आके सीधे सो जाते, जैसे बस खुलता है ना वैसे सोने लगते हैं। तो क्या रास्ता वाट में तो दिक्कत होता ही है। तो चलिए अब हमारा बस भी ठीक होगा, कब तक पता नहीं, तब तक हम लोग यहाँ पे बैठे हैं। जाने से जब घर से निकलते हैं तो पता नहीं चलता रास्ते में क्या होगा नहीं। शिवम बाबू भी इधर उधर टहल रहे हैं, माहौल ठीक है, ठंडा लग रहा है, इतने गर्मी के मौसम में ठंडा ठंडा लग रहा है। 2 बजे का रात है, खुला आसमान के नीचे बैठे हुए देखिए कितना अच्छा वो हाईवे है, गाड़ी रोड में भाग रहा है सीधे स्वाए स्वाए। अभी ऋषभ से भी बात किया, अभी जनकपुर पहुंचने के बाद इस ब्लॉग को खत्म करेंगे, तब तक आप लोग बने रहिए इस ब्लॉग में। जरूरी नहीं हुई है तसला लगा ऊपर के कनी के आटा रे बना दे छी बोली छी मुठी आ तो बनबे दुआरे क्यों नहीं खेते आब से हम बुझी छी। मैंने पूछ तो बताए ना सकबो नहि करै छी, भोगो उठार भऽ गेलै, नीक लगै छलै से। तो गाइस हम लोग अभी जनकपुर में हैं, जनकपुर से बात कर रहे हैं। हाँ हाँ आवे छी। तो अभी खाना खाने के लिए मम्मी बुला रही है, नाश्ता करने के लिए, खाना का टाइम तो बीत गया क्योंकि अभी 3:30 हो रहे हैं। हम लोग 7 बजे जनकपुर पहुँचे, जनकपुर पहुँचने के बाद मम्मी खाना बनाई और मैं फ्रेश हुई, घर में सब फ्रेश हुए, उसके बाद खाना तब तक बन गया था। तो खाना खा के हम सो गए थे दवाई लेके, क्योंकि हमारा एक बार नाश्ते के टाइम का भी दवाई है, तो हम 8 बजे नाश्ता खा के दवाई खा के सो गए थे। उसके बाद 2 बजे उठे तब से, ये 2 बजे भी नाश्ता किया। तो अभी हम जा रहे फिर से थोड़ा सा खाने के लिए, मम्मी खिला देती तो खा ही लेती, आलस आता ही नहीं खाने में मम्मी के हाथ से खाती हूँ, हाथ से। और एक मेरी मम्मी, और एक मैं इसकी मम्मी हूँ, जो इसको मैं कभी हाथ से नहीं खिलाती हूँ, लेकिन मुझे आदत है हाथ से खाने की, तो हाथ से खाती हूँ। तो गाइस मैं ज़्यादा बोल नहीं पाऊँगी, इसलिए ये ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। ये ब्लॉग मेरा यहीं पे ख़त्म है, जय श्री राम, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अभी मेरा हालत ठीक नहीं है एकदम से, तो जब मैं ठीक रहूँगी तो जोर जोर से हंस हंस के बात करूँगी आप लोगों से। तो आप लोग का इतना ब्लेसिंग मिल रहा है ना, मैं तो जल्दी से ठीक हो रही हूँ, और दवाई भी असर कर रहा है और दुआ भी असर कर रहा है। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, ये ब्लॉग की बाय।